बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो हैं वो एनिमल टिशू पढ़ रहे थे। हमने एनिमल टिशू के करेक्टिव टिशू में से बोन एंड कार्टिलेज पढ़ चुके हैं। अब हम उसका कंपैरिजन पढ़ते हैं। कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज इज़ अ सॉफ्टर कनेक्टिव टिशू एज बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिशू। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं किया जाता, जबकि बोन मैरो में खुद ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। लिविंग सेल्स आर नाउन एज कॉन्ड्रिक्थीस एंड लिविंग सेल्स ऑफ बोन आर नाउन एज ऑस्टिक्थीस। नो मटेरियल इज डिपॉजिट फॉर स्ट्रेंथनिंग, जबकि बोन पे कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट करवाया जाता है। और अगर कार्टिलेज में किसी तरह की कोई भी चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस नहीं होता, लेकिन अगर बोन वगैरह रैप्चर हो जाती हैं या टूट जाती हैं तो बोन्स 3 to 3 months में, यानी कि 12 weeks में, 10 to 12 weeks में बनती हैं, दोबारा जुड़ती हैं अगर, और इनमें ऑपरेट करके भी इनको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा एडिपोस टिशू है। एडिपोस टिशू का जो साइज है वो लार्ज होते हैं। स्टोर क्या करते हैं? फैट करते हैं। कहाँ पर? अंडर दी लोके अंडर स्किन, अराउंड किडनीज एंड एब्डोमेन के अराउंड, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट, इंसुलेशन अगेंस्ट हीट लॉस, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। एडिपोस टिश्यू के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डिटेल लेक्चर है। आपको सुनने में इंटरेस्टिंग फैक्टर्स सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।